So, all the best for your exams. And अगर आप लोगों को कोई डाउट हो फिजिक्स या केमिस्ट्री में तो आप मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं. और 10th के अलावा मैं 11th और 12th साइंस के फिजिक्स के वीडियोस भी बनाने वाला हूँ. मैं नेक्स्ट ईयर से वो चीज़ अब मैं प्रोसेस में है, नेक्स्ट ईयर से वो स्टार्ट हो जाएगी. सो यू कैन सब्सक्राइब द चैनल अगर आपको आगे के अपडेट्स और वीडियोस चाहिए. ओके अभी फिलहाल के लिए मैं लाइट लेसन के न्यूमेरिकल्स कैसे परफॉर्म किया जाए, ठीक है, इजी तरीके से कैसे उसको इंटरप्रेट किया जाए उसके बारे में बताने वाला हूँ. सो कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, उसमें क्या क्या बेसिक्स हैं वो चीज़ें समझनी है. सपोज अगर फॉर्मूलाज कैसे यूज करने हैं, वी और यू में से कोई ना कोई एक कैलकुलेट करने को दिया जाता है यूजुअली. अगर वो यू गिवन है तो यू को हमेशा नेगेटिव लिया जाता है. इफ इट इज गिवन उसको हमको माइनस में लेना है. अगर मान लो 27 दिया तो -27 लिखना है उसको, ठीक है. इसके अलावा बहुत कम होता है कि यू नहीं दिया और वी दिया गया है, बट आते हैं वैसे भी क्वेश्चंस. टेक्स्ट बुक में एग्जांपल भी है उसका, ओके, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में. अगर वैसे केस है तो फिर वैसे वाले में यू को नेगेटिव और वी को, अगर सपोज यू अननोन है और वी गिवन है तो वैसे केस में यू जो हम सिंबॉल यूज करेंगे उसमें माइनस साइन नहीं लगाना. और वी को हमको रे डायग्राम्स के हिसाब से उसकी नॉलेज से हमको पॉजिटिव या नेगेटिव लेना पड़ता है. ओके फाइन. यूजुअली हमको ऐसे नॉर्मली हमको यू गिवन होता है तो यू को हम हमेशा माइनस में लिखेंगे और वी निकालना होता है. ओके सो यू को माइनस में लेना है, पहले ट्रिक ये याद रखें. दूसरा, लेंस है या मिरर ये चीज चेक कर लो और उसके हिसाब से इक्वेशन लगाओ. अगर लेंस है तो लेंस फॉर्मूला लगेगा, मिरर है तो मिरर फॉर्मूला. इफ इट इज लेंस तो लेंस का फॉर्मूला गया भाई 1/f = 1/v - 1/u. इफ इट इज अ मिरर तो क्या लगेगा, 1/f = 1/v + 1/u, राइट, यही यूज होगा. ओके तो ये चीज हमको पहले चेक कर लेनी है. इसके अलावा अगर वो कॉन्वेक्स है कि कॉनकेव, ये देख लो. अगर कॉन्वेक्स है मिरर हो या लेंस किसी के लिए भी, फॉर कॉन्वेक्स मिरर और लेंस जो फोकल लेंथ है इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, उसको पॉजिटिव लेना. अगर कॉनकेव दिया है तो कॉनकेव मिरर या कॉनकेव लेंस तो फोकल लेंथ जो भी गिवन रहेगा उसको हमको नेगेटिव लिखना होगा, ठीक है. साइन कन्वेंशन से अगर प्रॉपरली यूज ना करें तो न्यूमेरिकल सही नहीं होंगे. सो इस बात का ध्यान रखें और साइन कन्वेंशन और इसके फॉर्मूलाज के बेस की न्यूमेरिक जो वीडियो है मैंने ऑलरेडी एक क्रिएट किया हुआ है, वो आप चेक कर सकते हैं साइन कन्वेंशन के लिए, ठीक है. सो यहाँ तक अब तक हमने ये देखे, यू इफ इट इज गिवन जो भी दिया रहेगा उसमें माइनस साइन लगा देना है. ओके और लेंस या मिरर उसके हिसाब से फिर वो फॉर्मूलाज लगेंगे. नेक्स्ट इज कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स रहेगा तो पॉजिटिव फोकल लेंथ आएगा, कॉनकेव रहेगा तो नेगेटिव फोकल लेंथ, जो भी दिया है उसको हमको माइनस में लिखना होगा. इफ दिस कॉनकेव लेंस या फिर कॉनकेव, राइट. नेक्स्ट इज, तो ये चीजों की इंफॉर्मेशन से हम यहाँ पे जो भी ये तीनों में से कोई भी अननोन दिया रहेगा वो हम निकाल पाएंगे. इसके बाद अगर हमको साइज या फिर नेचर पता करना है या निकालना है तो उसके लिए हमको क्या फाइंड आउट करना पड़ता है, मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, यस, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है h-h, या फिर फॉर मिरर इट इज -v/u, फॉर लेंस इट इज v/u. जो भी है इन सब से मैग्निफिकेशन फाइंड आउट कर लोगे. और मैग्निफिकेशन निकालने के बाद एक बार मैग्निफिकेशन मिल गया, अगर सपोज ये प्लस एन आया, पॉजिटिव नंबर कोई आया, इफ इट इज प्लस, तो प्लस का मतलब क्या है कि भाई वर्चुअल एंड इरेक्ट. प्लस का मतलब याद रखो इरेक्ट इमेज है, इरेक्ट इमेज हमेशा वर्चुअल होता है. सो वर्चुअल इरेक्ट. इफ इट इज माइनस नेगेटिव आया तो नेगेटिव का मतलब है कि इन्वर्टेड, यानी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है, नेचर पता चल जाएगा. और ये नंबर क्या इंडिकेट करता है, अगर ये नंबर एग्जैक्टली 1 हो तो इसका मतलब सेम साइज. अगर ये नंबर जो भी नंबर है, इफ दिस मैग्नीट्यूड इज लेस देन 1 इसका मतलब डिमिनिश्ड है. इफ दिस मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन 1 इसका मतलब क्या है कि इमेज कैसा है, एनलार्ज है. ओके सो होप कि ये
ये चीजों से आपको न्यूमेरिकल करने का आइडिया मिलेगा लाइट लेसन का। अगर आपको फिर भी कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन में डाउट हो तो वो चीज आप पूछ सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। ओके एंड ऑल द बेस्ट वंस अगेन। थैंक यू।